Dear student of class first year, good morning, welcome to online class. Today I am going to start a new poem, number 3rd. The name of the poem is The Voice of Land, composed by a well-known American writer, Walt Whitman. Dear students, before teaching you this poem in detail, I would like to tell you the central idea of this poem so that you may understand this poem while I may teach you. Central idea, The Voice of Man by Walt Whitman. Walt Whitman के द्वारा रचित द वॉइस ऑफ मैन का सेंट्रल आइडिया देखिए. सबसे पहले वाल्ट व्हिटमैन जो है ये कहाँ के कवि थे और इनके इन्होंने कविता लिखने के अलावा क्या क्या काम किया. वाल्ट व्हिटमैन वाज अ नेशनल पोएट ऑफ यूएसए. वाल्ट व्हिटमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राष्ट्रीय कवि थे. ही वाज अ ग्रेट पैट्रियट. कवि के साथ साथ वो क्या थे, महान देशभक्त थे, एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे, रेप्यूटेड टीचर और एन एमिनेंट जर्नलिस्ट और एक बहुत ही विख्यात पत्रकार भी थे. इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज कंपेयर द वॉइस ऑफ मैन विद म्यूजिक. इस कविता में कवि ने वर्षा की ध्वनि का जो कंपेरिजन है वो संगीत से किया. वर्षा की ध्वनि की तुलना किससे की है, म्यूजिक से. बोथ ऑफ देम राइज फ्रॉम देयर सोर्सेस. संगीत और वर्षा की ध्वनि, वर्षा अपने स्रोतों से उत्पन्न होते हैं. एंड हर द वर्ल्ड और दुनिया की संसार की सहायता करते हैं. दे कम बैक, वो वापस आते हैं टू देयर सोर्सेस, अपने जहाँ उत्पत्ति का स्थान है उस पर वापस भी आते हैं. एक रोटेशन रहता है, चक्र जिसको, जहाँ से उत्पन्न हुआ वहीं पर फिर पहुँचना. टू मेक देम ब्यूटीफुल एंड प्योर, अपने को खूबसूरत और शुद्ध बनाने के लिए वो अपने स्रोतों को लौटते हैं. उत्पत्ति शास्त्रोत मीन्स द प्लेस ऑफ ऑरिजिन. द रेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड एंड सी. ये बरसात जो है यह थल और समुद्र से उत्पन्न होती है. एज इवेपरेशन, वाष्प के रूप में, समुद्र से वाष्प बनकर के आसमान में बादल बनकर के जाती है. एंड गोज अप टू द स्काई एज क्लाउड, बादल के रूप में आसमान में. ये पहले वर्षा का रूप बदला हुआ होता है, वाष्प बनकर के बादल बनते हैं. एंड लेटर ऑन, और बाद में यही बादल डिसेंड ऑन अर्थ टू वॉश इट्स डस्ट, इस पृथ्वी पर उतरती है. टू वॉश इट्स डस्ट, पृथ्वी की धूल को साफ करने के लिए. एंड प्यूरिफाई द एटमॉस्फियर, और वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवा ये बरसात होती है. सही में जब बरसात होती है तो पृथ्वी माता की सारी गंदगी दूर हो जाती है, चारों तरफ नवीनता वातावरण आ जाती है. घर मकान, पेड़ पौधे, सड़कें सब धुली हुई सी प्रतीत होती हैं, और चारों तरफ ग्रीनरी, चारों तरफ हरियाली से वातावरण जो है कैसा हो जाता है, ग्रीनरी एटमॉस्फियर में वातावरण शुद्ध हो जाता है. विद ग्रीनरी एंड फ्रेशनेस, तरोताजगी से और
हरियाली से। अब इस पॉइंट के स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं? द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज क्लियर टू द एक्सप्रेशन, कविता की भाषा जो है वो भावानुकूल है और विद पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। एक मानवीय करण अलंकार आपने हिंदी पढ़ा होगा जिसमें निर्जीव वस्तुओं को या भाववाचक संज्ञाओं को सजीवों की तरह वर्णन करते हैं। सेकेंड लाइफ एंड रेन, लाइफ एंड रेन रिटर्न टू देयर ओरिजिन, जीवन और बरसात अपने उत्पत्ति स्थान को वापस आते पाप प्योरिफिकेशन शुद्धिकरण के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस सेंट्रल आइडिया विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। वी विल टीच यू दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।